यहां का उत्साह बता रहा है कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजल अंसारी साहब न केवल जीत करके जा रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड मतों से इस बार जीतेंगे। जहां गाजीपुर अपनी बुलंद आवाज से और अपने समर्थन से लोग जो बड़े बड़े दिल्ली और लखनऊ से आ रहे हैं, गाजीपुर के लोगों के उत्साह के सामने और समाजवादी पार्टी के समर्थन के सामने वो थर्रा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता क्या निकलेगा। मैं आगे गाजीपुर के अपने तमाम समाजवादी साथियों का मैं धन्यवाद और आभार इसलिए भी प्रकट करना चाहता हूं कि जिस समय 2022 के चुनाव से पहले मैंने यहीं से रथ यात्रा शुरू की थी आपके जिले से, यहां पर वो समाजवादी सरकार का बना हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जुड़ता है, उस गांव पखनपुरा से हमने शुरू किया था और जो सहयोग समर्थन आपसे मिला था, मुझे नहीं पता था कि मुझे रात में भी चलना पड़ेगा। मैंने शुभ सुबह सुबह रथ यात्रा शुरू की थी, पूरा दिन पूरी रात चल करके जब मैं लखनऊ पहुंचा था, मुझे याद है सबसे पहले वही खबर मिली थी कि जहां किसान के आंदोलन की वजह से और उत्तर प्रदेश के चुनाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने वो काले कानून वापस ले लिए थे, उसके लिए हमारे गाजीपुर के किसान और नौजवानों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने सड़क पर आकर के उस सरकार के खिलाफ खड़े होकर के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। और ये धरती तो वो है जिसने वीरों को जन्म दिया है, ये धरती वो है जिसने समय समय पर देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। यहां पर तमाम वो गांव हैं जिनका एक गांव से एक एक नौजवान देश की रक्षा के लिए सीमा पर जाने के लिए वर्दी पहनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहां पर वो गांव भी है जो न केवल हम, पूरा देश और हमारे फौज के लोग भी जानते हैं कि घेमर जैसा गांव पूरे देश में नहीं होगा जहां पर इतनी बड़ी संख्या में नौजवान न केवल फौज की में जवान बनकर के जाते हैं बल्कि अधिकारी की ऊंचाइयों तक पहुंच करके देश की सेवा करते हैं। मैं अपने गाजीपुर के नौजवानों को कहकर जा रहा हूं, ये जो अग्निवीर व्यवस्था है ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें न केवल शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा आपको, न शहीद का दर्जा है न आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी, ये सब केवल अपने स्वार्थ के लिए ये व्यवस्था बनाई है। इसलिए अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं कि 4 जून के बाद जब दिल्ली में सरकार बनेगी तो अग्निवीर जैसी नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। न केवल अग्नि व्यवस्था खत्म हो की जाएगी बल्कि फौज की नौकरियों की संख्या बढ़ाने का काम, अभी जो होती थी भर्ती उससे ज्यादा भर्ती करने का काम, और पहले जैसी जहां पक्की वर्दी पहनने को नौजवान को मिलती थी वैसी पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। अगर समाजवादियों को विशेष विकास के लिए योजनाएं चलानी पड़ी तो पूर्वांचल के इलाकों के लिए अपने किसान और नौजवानों के भविष्य को बेहतर करने के लिए विशेष योजनाएं चला करके इनके जीवन को बदलने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए, सहयोग करिए, और जो लोग हैं सत्ता में वो जान गए हैं कि 4 जून के बाद उनकी सरकार बनने वाली नहीं है, वो ये स्वीकार कर चुके हैं कि 4 जून के बाद उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है,
इसीलिए उनकी भाषा बदल गई है, उनका व्यवहार बदल गया है। लखनऊ वाले तो लखनऊ वाले, दिल्ली वालों का भी भाषा बदल गई है। हम इन बीजेपी वालों को कहना चाहते हैं, 4 जून के बाद न केवल मित्र मंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदलने का काम होगा। और जो लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे, अगर गणित समझोगे तो अब समझ में आएगा कि 400 पार का मतलब है कि 543 में अगर 400 सीटों के बाद जीतने का लक्ष्य रखा है तो बताओ 143 सीटें ही बनती हैं। अगर जिनको हिंदी समझ में आ रही होगी, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि अगर 400 पार का नारा दे रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ है कि 543 के बाद जितनी सीटें बची हैं उतनी ही जीतने जा रही हैं, तो 400 के बाद वाली सीटें केवल 143 हैं। लेकिन जिस तरह का गुस्सा जनता में है, 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी। कहीं सरकार नहीं बनने जा रही है। और जब से चुनाव उत्तर प्रदेश का बदला है, जब से उत्तर प्रदेश में गठबंधन ने बढ़त पाई है, ये हमारे पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से घबरा गए हैं और साथ ही साथ सहयोगी दलों से भी घबरा गए हैं। तो क्या कहते हैं कि दो शहजादे वोट मांगने निकले हैं। हम उनको कहना चाहते हैं जो हम लोगों को दो शहजादे बोल रहे हैं, इस बार दोनों शहजादे मिलकर के शह तो दे ही रहे हैं आपको, लेकिन जब वोट पड़ेगा और परिणाम आएगा तो आप भी मात इन्हीं लोगों से खाओगे। शह तो दे ही नहीं, मात भी खाने जा रहे हो। इसलिए इस चुनाव में, जहां ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है, ये पहला चुनाव देखने को मिल रहा है जहां चुनाव जनता ने अपने आप हाथ में ले लिया है, और जैसे चुनाव आगे बढ़ता चला जा रहा है, जनता हमारी लीडर के साथ साथ आगे बढ़ती चली जा रही है। इसलिए आप सबसे हम गाजीपुर के लोगों से विशेष निवेदन अपील करने आए हैं कि आप लोग मदद करना, आप लोग सहयोग करना। और इधर देखने को मिल रहा है कि ये लोग हमारे वोट को रोकना चाहते हैं। कई जगह सुनने में आ रहा है कि जहां समाजवादियों का ठोस वोट है उसको रोक करके ये जीतना चाहते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं, ये गाजीपुर के लोग हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। इसलिए आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि अगर कहीं बीजेपी वाले रोकें तो कहीं आप रुक तो नहीं जाओगे? अगर आपको बूथ पे जाने से रोकें तो पीछे तो नहीं रह जाओगे? मैं जानता हूं यहां के लोग रास्ता निकाल लेते हैं कि बूथ पे कैसे पहुंचना है। इसलिए बूथ पर मदद करोगे आप लोग मिलकर के, ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है, वहीं चुनाव संविधान बचाने का भी है। ये बात तो जान रहे होंगे आप लोग, ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। और ये संविधान है जो हमें सम्मान दिलाता है, यही संविधान है जो हमारे हक अधिकार की रक्षा करता है, यही संविधान है जो हमारी संजीवनी है। और ये भी आप लोग जान गए होंगे कि इधर जो देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला रखे हैं। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो, सावधान आप लोग। इसलिए जहां हम अपने लोगों से सहयोग और समर्थन मांग रहे हैं, वहीं अपने हम बहुजन समाज के लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने का है। इसलिए हमारा इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, जिससे आने वाले समय में
हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बचा सकें। अगर ये लोग सत्ता में आ गए कुछ भी कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कई मौकों पर जो लोकसभा में सांसद अपनी बात रखना चाहते थे उन्हें रखने नहीं दिया, और ऐसा भी समय आया कि इन्होंने 150 से ज्यादा सांसदों को सदन से बाहर निकालने का काम किया था। इसलिए आप लोग सावधान हैं कि नहीं सावधान हैं? जहां मैं आपको सावधान करने आया हूं वहीं गाजीपुर की धरती जो हमारे वीरों की धरती रही है, इन्होंने न जाने कितने वीरों को जन्म दिया है, बहुत महान महान लोगों को जन्म दिया। जहां पर जहां हमारी गाजीपुर ऋषि मुनियों की धरती रही, जहां हमें ऋषि मुनियों का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, वहीं हमारे साथी लोग जानते होंगे कि जब कभी भी सरकार बनी हम लोगों ने विकास के लिए कहीं भेदभाव नहीं किया होगा। मां कामाख्या देवी का भी हम लोगों को आशीर्वाद है। जहां मां का आशीर्वाद है वहीं जनता का भी सहयोग और समर्थन मिल रहा है। न केवल सहयोग और समर्थन मिल रहा है बल्कि यहां की जनता तैयार है, जिस समय 4 तारीख को वोट पड़ेगा सब मिलकर के यहां पर एक दूसरे का सहयोग कर करके जिताने का काम करेंगे। इसलिए जहां अफजाल अंसारी जी को जिताना है वहीं हमारे सनातन पांडे जी की भी मदद करना। गाजीपुर के लोगों की जिम्मेदारी है अपनी लोकसभा तो जितानी जितानी है लेकिन बलिया की लोकसभा को भी जिताना है। इसलिए मदद करेंगे आप लोग, सभी की निगाहें गाजीपुर पर हैं, सभी की निगाहें गाजीपुर पर हैं। गाजीपुर के लोग कमजोरी तो नहीं दिखाओगे आप लोग? आपको पता होना चाहिए लड़ाई बड़ी है, लड़ाई आर पार की भी है, और लड़ाई ऐसी है कि उत्तर प्रदेश ही देश को बचा सकता है। इसलिए 80 हराओ और भाजपा को भगाओ। जब भाजपा हटेगी तभी हमारा संविधान बचेगा, और भाजपा हटेगी तो अभी हमारे नौजवानों को पक्की नौकरी और पक्की रोजगार मिलेगा, उससे पहले मिलना नहीं। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ जहां हम किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं, 30 लाख नौकरियां निकाल करके दे रहे हैं, वहीं अपनी माताओं बहनों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। कभी नेताजी ने समाजवादियों ने समाजवादी पेंशन के साथ साथ विद्याधन देकर के बेटियों को बढ़ने का मौका दिया था। इस बार इंडिया गठबंधन अपनी गरीब माताओं बहनों के अकाउंट में 1 लाख रुपए भेज करके उनको लखपति बनाने का काम करेगा। इसलिए सहयोग करो, मदद करो, और चुनाव चिन्ह साइकिल मत भूलना। यही निवेदन यही अपील मैं आप सबसे करने आया हूँ। जहाँ आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बड़ी संख्या में जो नौजवान साथी और हमारे किसान भाई आए हैं, मैं इन सबसे इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जब परिणाम आएगा तो गाजीपुर तो जीतेगा ही जीतेगा, हमारा बलिया भी जीत करके रिकॉर्ड बनाने का काम करेगा।